हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, आज जो हम स्पीड कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो और इसके साथ ही रेडमी नोट 9 प्रो है हमारा। फिलहाल गाइज, इसकी जो स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेडमी नोट 9 प्रो जो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G के चिपसेट के साथ आता है और ये जो है हम यूज़ करने वाले 664GB रैम वेरियंट। और दूसरी ओर हमारा रेडमी नोट 10 प्रो है, आप जो प्रो मैक्स भी इसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो है प्रो और प्रो मैक्स सेम ही वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 6 128GB का वेरिएंट हम यूज़ करने वाले हैं। और ये जो है गाइज, मेरे पास जो है यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max यूज़ करने वाला हूँ मैं गाइज। तो चलिए स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के यहाँ पर जो है आपको ऐप देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर जो है रैम के अंदर कोई भी नहीं है, सब कुछ जो क्लीन यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर जो आपको जो है इन ऐप्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो इंस्टाग्राम को 1 2 3, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है हमारे Redmi Note 10 Pro Max के अंदर जो ओपन कर दिया है सबसे पहले, एंड उसके बाद तुरंत यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के अंदर ओपन कर दिया है। सो गाइज, यहाँ पर जो बात करते हैं अगली ऐप जो कि फेसबुक, तो यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक जो है Redmi Note 9 Pro के अंदर जो ओपन हुआ और जस्ट उसके बाद यहाँ पर जो 10 Pro के अंदर जो ओपन हो चुका है। गाइज, मैं इसे 10 Pro Pro Max बोलूँगा तो यार समझ जाना। उसके बाद जो Amazon देख सकते हैं, Amazon जो सबसे पहले फिर से जो है Redmi Note 9 Pro के अंदर जो ओपन कर दिया है और उसके बाद ही तुरंत यहाँ पर 10 Pro के अंदर जो ओपन हो चुका है। सो गाइज, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऐप्स को हम यहाँ पर ओपन करें इससे पहले दिखा देता हूँ मैं स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर जो आप लोग को वाईफाई देख सकते हैं, दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो मैं आपको एक साथ ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro के अंदर जो है सबसे पहले ओपन हुआ है, देन उसके बाद जो है 9 Pro के अंदर ओपन हुआ है। हम जो वन बाय वन करके जो स्पीड टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क में कोई इशू ना आए। तो सबसे पहले जो है हम जो है 9 Pro के ऊपर जो चेक कर लेते हैं। तो गाइज, देख सकते हैं मैं जो है कोई भी यहाँ पर जो है मतलब वाईफाई जो है अपने फ़ोन का ही हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ, तो इसके वजह से जो है इतना स्पीड देखने को मिल जाता है गाइज। तो इसका इस तरीके का आपको स्पीड देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। अब जो हम तुरंत यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Pro Max का यूज़ कर लेते हैं, तो देख सकते हैं गो पर क्लिक किया और यहाँ पर स्पीड हम जो है इसका चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइज, देख सकते हैं इसका स्पीड जो है आप लोगों को 9 Pro के ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज, मैंने जो है 2-3 बार इसके बाद जो ट्राई किया तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कुछ इशू आ गया था, इसके वजह से जो है 9 Pro के अंदर जो कम देखने को मिला है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस दे देता है। वैसा कोई भी खास इसमें मतलब ऐसा इशू नहीं है गाइज 9 Pro के अंदर। सो गाइज, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऐप है हमारा जो है म्यूजिक प्लेयर, तो म्यूजिक प्लेयर जो है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐड आएगी और यहाँ पर जो परमिशन भी अलाउ नहीं की थी, तो इसके वजह से जो मैं क्या करता हूँ फिर से जो इसे ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिसेंट टैब से निकाल दिया और फिर से 1 2 3, तो अब जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो 9 Pro के अंदर ही फिर से ओपन हुआ है और उसके तुरंत बाद जो है 10 Pro के अंदर ओपन हुआ है। तो खैर, यहाँ पर जो है बात करते हैं YouTube की, तो YouTube के ऊपर 1 2 3, तो यहाँ पर जो YouTube जो ऑलमोस्ट गाइज सेम ही ओपन हुआ है दोनों डिवाइस के अंदर। अगर आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो हम जो इसे रिसेंट टैब से डाल देते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट है प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर से गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट प्ले स्टोर भी दोनों भी फ़ोन के अंदर जो सेम टाइम पे ओपन हुआ है। और आज जो है हम यहाँ पर जो एक ऐप को भी डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर ड्राइविंग गेम है, तो यहाँ पर पहले से मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है, तो मैं क्या करता हूँ इसे जो अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि यही छोटी गेम देखने को मिल जाती है क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम जो इसे ही फिर से जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं सेम टाइम, तो 1 2 3, तो देखते हैं कौन से डिवाइस के अंदर जो सबसे पहले जो यहाँ पर गेम जो इंस्टॉल हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर जो देख सकते हैं नोट 9 प्रो से आगे ही यहाँ पर 10 प्रो भाग रहा है, लेकिन देख सकते हैं दोनों जो कवर हो चुके हैं, सेम स्पीड है। तो यहाँ पर जो कौन से फ़ोन के अंदर, तो मेरे ख्याल से जो 10 प्रो के अंदर जो यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रो के अंदर जो है सबसे पहले जो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, और देन उसके जस्ट 2-4 सेकंड के बाद जो है यहाँ पर 9 प्रो के अंदर जो इंस्टॉल हुआ है। सो खैर, यहाँ पर जो स्पीड भी हमने देख ली है, थोड़ा यहाँ पर जो गाइज ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। देन गाइज, यहाँ पर जो हमारा जो है स्टॉक कैमरा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो Redmi Note 10 Pro के अंदर जो फास्ट ओपन हुआ है,
तो इसका जो 108 मेगापिक्सल सेंसर है और 9 प्रो के अंदर 48 मेगापिक्सल का है। देन यहाँ पर सबवे सर्फर गेम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबवे सर्फर किसके अंदर जो है फास्ट ओपन होती है देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सबवे सर्फर गेम जो है देख सकते हैं हमारे रेडमी नोट 10 प्रो के मैक्स के अंदर जो है यहाँ पर ओपन हुई है। तो हम जो एक बार प्ले कर देते हैं और इसे बीच में ही छोड़ देते हैं ताकि हमें पता चले कि गेम जो है रिलॉन्च हुई है या फिर नहीं रैम मैनेजमेंट चेक करते वक्त। यहाँ पर जो नेक्स्ट है टेम्पल रन, तो टेम्पल रन का भी वो एक साथ ओपन कर लेते हैं। तो टेम्पल रन देख लेते हैं कि कौन से फ़ोन के अंदर जो फास्ट ओपन हो जाती है। तो गाइज मेरे ख्याल से जो यहाँ पर जो है 10 प्रो के अंदर जो है फास्ट ओपन हो जाएगी, बिकॉज़ ये जो है यहाँ पर आगे लीड लेता हुआ देखने को मिल जाता है। जी हाँ गाइज यहाँ पर जो माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर जो है 10 प्रो के अंदर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब जो गाइज यहाँ पर जो हमारी ही मेन गेम जो कि हाईएस्ट डिमांड वाली गेम पबजी, तो यहाँ पर पबजी को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और गाइज मैं जो इसका स्पीड नहीं बता मतलब बढ़ाऊँगा, जो भी स्पीड होगा वो जो है डायरेक्टली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इससे जो आप अपने कोई भी डिवाइस को कंपेयर करके देख सकते हैं वीडियो को यहाँ पर जो कंपेयर करते हुए। तो फिलहाल जो है देखते हैं कौन से फ़ोन के अंदर जो है ओपन हो जाती है। ऑलमोस्ट सेम जो यहाँ पर जो स्पीड देखने को मिल रही है दोनों भी फ़ोन के अंदर देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारे Redmi Note 10 Pro Max के अंदर जो सबसे पहले ओपन हुई एंड देन उसके बाद जो है 9 Pro के अंदर ओपन हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पर जो लगे हाथ जो हम ग्राफिक्स भी आप लोगों को दिखा दूँ, तो ग्राफिक्स जो है गाइस दोनों भी फ़ोन के अंदर सेम ही देखने को मिल जाते हैं। इतना कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता कि पूरे चिपसेट के अंदर, तो यहाँ पर ग्राफिक्स भी सेम ही देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं हम जो स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर यूज़ कर सकते हैं और दूसरा जो HD प्लस हाई का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस सेम ही दूसरे भी फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि हमारे 10 प्रो मैक्स के अंदर, तो इतना ही सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब जो हम दूसरा जो है एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसे जो है मैं फटाक से रिसेंट में डाल देता हूँ। और गाइस जी यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमारा 10 प्रो जो है यहाँ पर जो है लैग हो चुका था, मतलब अटक चुका था। तो यार यहाँ पर जो थोड़ा इशू है उसमें। तो नेक्स्ट है हमारा काइन मास्टर, तो काइन मास्टर जो है हमने ओपन किया है सेम टाइम एग्जैक्ट, तो यहाँ पर जो 9 प्रो के अंदर ओपन हुआ एंड देन उसके बाद जो है इस फ़ोन के अंदर हुआ है। लेकिन ये जो है ऐड की खातिर जो यहाँ पर थोड़ा लेट हुआ है गाइज, तो इसके वजह से जो है यहाँ पर स्पीड में थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। खैर गाइज यहाँ पर जो हम एक जो है लगे हाथ जो यहाँ पर एक एक्सपोर्ट टेस्ट कर लेते हैं, रेंडरिंग टेस्ट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेम प्रोजेक्ट बना लिया है दोनों में भी। और यहाँ पर जो है हम इसे जो एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि कौन से फ़ोन के अंदर जो फटाक से जो एक्सपोर्ट हो जाता है सबसे पहले। तो फिलहाल जो है हम जो है इसे एक्सपोर्ट पर कर लेते हैं 1080p 30fps के ऊपर जो है इसे जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और बिटरेट जो हमने दोनों का भी फुल रखा है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 2 3 गो, तो गाइज यहाँ पर जो थोड़ा मेरे से जो है 10 प्रो के अंदर जो क्लिक लेट हुआ है, लेकिन देख लेते ही कौन से फ़ोन के अंदर जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है रेंडरिंग होके फिनिश कर देता है टास्क। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे Redmi Note 10 Pro Max के अंदर जो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है वो मतलब रेंडरिंग फिनिश कर चुका है एंड देन उसके तुरंत 4-5 सेकंड बाद जो है यहाँ पर जो है Note 9 Pro के अंदर जो है फिनिश कर दिया है। यानी कि इतना कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन 4 सेकंड का आप जो है डिफरेंस बोल सकते हैं। सो गाइज अब जो है बात करते हैं इसकी रैम मैनेजमेंट की कि कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है इंस्टाग्राम हमने चेक करना है कि इंस्टाग्राम जो है रैम मैनेजमेंट में रहा है या फिर नहीं। तो जी हाँ गाइज यहाँ पर जो है रैम मैनेजमेंट जो इसका ख़राब है, वैसे भी मुझे लगा था। तो इंस्टा भी नहीं है, फेसबुक भी यहाँ पर जो रिलोड हो चुका है। यहाँ पर जो अमेज़ॉन की बात करी तो अमेज़ॉन भी देख सकते हैं दोनों भी फ़ोन के अंदर जो गाइज यहाँ पर जो रिलोड हो चुका है, यानी कि रिलॉन्च हो चुका है। तो यार इसका छोड़ देते हैं, फ़िलहाल स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। तो भाई यार इसे भी जो शायद से जो ये रिलॉन्च ही होने वाला है। तो जी हाँ गाइज ये जो रिलॉन्च हो चुका है, यानी कि रिस्टार्ट हो चुका है। तो ये भी जो है हटा दिया है। अब जो म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो म्यूजिक प्लेयर भी गाइज यहाँ पर जो है देख सकते हैं दोनों भी फ़ोन के अंदर से जो हटा दिया है बैकग्राउंड से। अब जो यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब जो हमने ट्रेंडिंग पेज के ऊपर रखा था, तो देख सकते हैं
ट्रेंडिंग पेज से हट चुका है, यानी कि रैम से क्लियर कर दिया है। अब जो प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर में दोनों भी जो है यहाँ पर डॉक्टर ड्राइविंग हमने डाउनलोड की थी वहाँ पर है, यानी कि एक ऐप जो है दोनों पे फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो कैमरा देख सकते हैं दोनों भी जो यहाँ पर जो रिस्टार्ट हो चुका है, यानी कि रैम में नहीं थे। और यहाँ पर सबवे सर्फर की बात करें तो यार यहाँ पर दोनों भी यहाँ पर जो रीलॉन्च हुए हैं गाइज, देख सकते हैं दोनों भी यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुके हैं। अब जो गाइज आगे के गेम भी यहाँ पर जो सेम ऐसा ही सीन हो रहा है देख सकते हैं, बिकॉज़ यार ये जो है इतने नॉर्मल से ऐप जो है अपने रैम में नहीं रख पा रहा है, तो यार ये जो हाईएस्ट गेम जो है क्या ही रखेगा। तो फिलहाल पबजी देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों भी यहाँ पर जो देख सकते हैं रीलोड हो चुके हैं, यानी कि रीलॉन्च हो चुके हैं, यानी कि यार दोनों भी फ़ोन के अंदर जो है रैम मैनेजमेंट जो है इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलती, एकदम घटिया कर दिया है। देख सकते हैं दोनों भी फ़ोन में जो है ऐसा रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। अब जो लास्ट हमारा काइन मास्टर चेक कर लेते हैं, तो जी हाँ काइन मास्टर नोट 9 प्रो के अंदर भी है और 10 प्रो के अंदर भी है, लेकिन 10 प्रो का जो थोड़ा लेट से ओपन हुआ है। सो यार कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला है नोट 9 प्रो वर्सेज रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का, जो कि यार दोनों भी डिवाइस जो एंड्रॉयड 11 के साथ जो है यहाँ पर है, तो उसके वजह से जो है रैम मैनेजमेंट पूरा जो बिगड़ गया है। आपको पता होगा अगर आप जो कोई भी एंड्रॉयड 11 वाला डिवाइस जो यूज़ करते हो, तो यार दोनों भी जो है रैम मैनेजमेंट में इतने कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि यार 6GB रैम के मुकाबले जो है आपको जो है लगभग जो है 5-6 ऐप जो है रैम में रखने चाहिए थे, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 2 ऐप रखे है, एक तो प्ले स्टोर और काइन मास्टर, दोनों भी सेम के सेम ही यहाँ पर जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं रैम के अंदर। तो यार इस तरीके का कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जो 30,000 लगाकर यहाँ पर जो है रेडमी नोट 9 प्रो अगर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार अब सेम मुकाबला यहाँ पर हो रहा है, तो अगर आप जो 3000 और इसमें ऐड कर देते हो, तो आपको 120 हर्ट्ज़ विथ एमुलेट स्क्रीन वाला डिस्प्ले और उसके साथ ही आपको 732G का प्रोसेसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं क्या इसके साथ आपको जाना चाहिए या फिर नहीं, तो यार ऑब्वियसली यहाँ पर जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आगे चल के इसे जो अपडेट के थ्रू जो फिक्स भी किया जा सकता है। सो यार आई होप आपको वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद आते तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और गाइस चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको हमारे मेहनत अच्छी लगे तो जाते जाते एक लाइक करके जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।